बड़वानी से खबर है जहां बूंद बूंद साफ पानी को लोग तरस रहे हैं। पाटी ब्लॉक के कई गांव पीने के गड्ढों का गंदा पानी पीने को ग्रामीण मजबूर हैं। तस्वीरें आप देखिए, जल संकट इसे ही कहेंगे। क्या जानवर क्या इंसान, सभी पीने के पानी को तरस रहे हैं। गोल गांव, खैरवानी और सेमलेट में भीषण जल संकट देखने को मिल रहा है। देखिए, चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है और गंदा पानी पीने को मजबूर है यहाँ के ग्रामीण। तो 2 से 3 किलोमीटर दूर से ग्रामीण पानी ला रहे हैं, खच्चरों के सहारे पानी लाया जा रहा है। बूंद बूंद पानी को यहां ग्रामीण तरस रहे हैं। तो इतनी भीषण गर्मी में सोचिए क्या हाल होता होगा जब पीने का पानी नसीब नहीं होता होगा। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि किस तरह से जल संरक्षण की ओर अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता महेश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेश, तस्वीरें देख पा रहे हैं हम, बेहद गंभीर तस्वीरें हैं ये, किस तरह से यहाँ ग्रामीण पीने के पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। जिस मार्ग में बताना चाहूंगा कि बड़वानी क्षेत्र का ये पाटी ब्लॉक का मामला है, जहाँ पर ग्राम खोवरी, सेलमेट और नई 3-4 गाँव में पानी के लिए काफी समस्या है और इसी को लेकर लगातार ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। पीने और मवेशी को पानी के लिए भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसके पहले भी क्षेत्र में पानी को लेकर लगातार काफी मांगे उठती आई है, पर जिला प्रशासन भी लगातार इसे संपर्क में लगा हुआ और कैसे पानी की समस्या दूर हो इसको लेकर लगातार प्रयास कर रहा है। आपको बता कि इसके पहले बंसल न्यूज ने खबर दिखाई थी, उसके बाद जिला प्रशासन ने तत्काल उस मामले को संज्ञान में लेते हुए उस क्षेत्र में उस गाँव के जो फलिया है उस फलियों में 3 दिन के अंदर बोरिंग करवा के पानी की व्यवस्था करवाई। पर प्रशासन के लिए सबसे बड़ी समस्या यहाँ जब खड़ी हुई कि वहाँ पानी की व्यवस्था के लिए जब बोरिंग मशीन लेके पहुंचने के लिए बात की तो मशीन तक नहीं पहुंची। पहले तो उन्होंने पहुंच मार्ग बनवाया और उसके बाद 3 रोज में वो मशीन पहुंची और उन्हें 4थे रोज ग्रामीणों को पानी जैसे जाके 3 इंच पानी मिला और उसके बाद ग्रामीणों को पानी मिला। इसके बाद ये 3 गाँव फिर सामने आया। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पानी के संकट के साथ साथ यह भी है कि पाटी ब्लॉक क्षेत्र में अलग अलग फलियों में गाँव बटे हुए, जो पंचायत होती है वो फलियों में कन्वर्ट होती है। उसमें हर पहाड़ी के ऊपर 2 या 3 मकान बने हुए होते हैं। उन पहाड़ियों पर पहुंचने के लिए शासन प्रशासन की लगातार योजना भी बना रही है कि हर आदमी और हर घर तक पानी पहुंचे, नल जल योजना के माध्यम से पानी पहुंचाया जाए। इसके लिए जिला प्रशासन के अधिकारी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, पर इस भयानक संकट, पानी के संकट को देखते हुए बिल्कुल महेश हम भी यही उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द इस ओर ध्यान दिया जाए और पानी के लिए तरस रहे लोगों की समस्या का निराकरण हो, क्योंकि तस्वीरें बेहद दुखद हैं किस तरह से इतनी भीषण गर्मी में पीने के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं।